Hello students, hope all well. Welcome back to English class with Usha ma'am. Today we are going to do My Childhood, an autobiography of APJ Abdul Kalam. Earlier also we had done an autobiography, A Truly Beautiful Mind. Do you remember in our previous video about Albert Einstein? Today we'll be doing about APJ Abdul Kalam. This story is from his book Wings of Fire. And the chapter My Childhood talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. He was the president of India and a great scientist too. I think you people know this very well. APJ talks about his upbringing, his parents and siblings. Siblings means brothers and sisters. So in this chapter, we are going to learn about his upbringing, how he was brought up, who were his parents and his siblings and his school life. He tells us about his friends and all those things that influenced his childhood. अब अपने बचपन के बारे में और जो जो चीज़ उनके साथ हुई है उसके बारे में बताते हैं. Let's look at the chapter in brief. APJ Abdul Kalam was born into a middle class Tamil family and his place of birth, Rameshwaram, is an island town in the state of Tamil Nadu in the Bay of Bengal. So APJ Abdul Kalam कहते हैं कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था रामेश्वरम में. सो रामेश्वरम इज एन आइलैंड टाउन. टुडे वी नो द स्टेट एज तमिल नाडु बट व्हेन ही वाज बोर्न एट दैट टाइम द स्टेट वाज नोन एज मद्रास स्टेट, erstwhile मद्रास स्टेट. अब हम मद्रास को चेन्नई के नाम से जानते हैं, राइट? सो ही वाज बोर्न देयर. सो APJ Abdul Kalam's father's name was Jain Ulabdin. Uske papa ka naam tha Jain Ulabdin. APJ says that his father was not very rich. He did not have wealth. He was not highly educated, but despite these disadvantages, he had some other qualities. Wo kehte hain ki mere papa itne rich nahi the, itne paise wale nahi the, aur na wo itne educated the, lekin wo unke raste mein disadvantage nahi bana. क्योंकि उनके पास और भी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ थे. ही वॉज नेचुरली वेरी नाइस एंड वॉज जेनरस टू. वो नेचुरली बहुत नाइस इंसान थे और एक जेनरस, बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ, ह्यूमनली, जैसे हम कहते हैं ना इंसानियत, उनमें इंसानियत भरी हुई थी. ही वॉज अ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन. ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोगों में ही तहजीब होती है. इसके मम्मी पापा में तहजीब थी बिकॉज दे वर नॉट एजुकेटेड बट स्टिल दे वर गुड. APJ's mother name was आशी अम्मा. शी यूज टू हेल्प हिज फादर. शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प टू हिम. और इसकी मम्मा आशी अम्मा वो APJ अब्दुल कलाम के पापा की हेल्प करती थी और सपोर्ट भी करती थी. APJ's mother was also generous and kind hearted. जैसे हस्बैंड वैसे वाइफ थी. Every day she used to feed a lot of people. रोज वो कई लोगों को खाना खिलाती थी. She fed a greater number of people from outside than the total number of the members in their family. उनके family में भी बहुत सारे members थे, तो जितने members उनके family में थे उसे double लोगों को वो बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी. वो इतनी अच्छी थी, चाहे वो गरीब ज़रूर थे लेकिन लोगों की मदद ज़रूर करते थे. कहते हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं वो सच्चा इंसान होता है. अब्दुल कलाम हैड मैनी सिबलिंग्स एंड ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ दैट ही हैड शॉर्ट हाइट एंड कॉमन लुक्स. ही डिड नॉट हैव एनी एक्सेप्शनल लुक्स. अब वो APJ कहते हैं कि मेरे काफ़ी सारे ब्रदर सिस्टर्स थे और वो अपने आप को कहते हैं, अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि मेरा शॉर्ट हाइट था और ज़्यादा बहुत मैं हैंडसम नहीं था. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेरेंट्स वर वेरी टॉल एंड हैंडसम. और मम्मी पापा बड़े स्मार्ट थे, उनके बहुत सुंदर थे, टॉल थे, हैंडसम थे इसके पापा. दे वर वेरी गुड लुकिंग. APJ डिड नॉट इनहेरिट देयर फिजिकल क्वालिटीज़. लेकिन APJ में उनके मम्मी पापा के फिजिकल क्वालिटीज़ नहीं आए. APJ अब्दुल कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वॉज वेरी ओल्ड. एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी, जो दादा परदादा की जायदाद होती है. तो दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज वेरी ओल्ड. जो उनके दादा परदादा के टाइम के थे तो उनमें रहते थे वो. इट वॉज बिल्ट इन द 19th century. उनका जो पुश्तैनी मकान था वो 19th century में कंस्ट्रक्ट हुआ था. इट वॉज अ पक्का हाउस.
आपने पढ़ा ही होगा ना क्या कच्चा हाउस और पक्का हाउस होता है. पक्का हाउस जो ब्रिक से बना होता है, विच वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड लाइम स्टोन. इट इज़ लोकेटेड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. जो APJ का घर था वो रामेश्वरम के मस्जिद जो मॉस्क है उस स्ट्रीट में थे, और वो पक्का हाउस था, ब्रिक्स का बनाया हुआ था और लाइम स्टोन वॉज यूज. APJ's फादर वॉज वेरी सिंपल बट ही वॉज स्ट्रिक्ट ऑल्सो. सिंपल थे लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे. ही वॉन्टेड टू लिव हिज लाइफ इन अ सिंपल वे एंड यूज टू टीच हिज चिल्ड्रन नॉट टू वेस्ट मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स. और बच्चों को पढ़ाते थे, ये सिखाते थे कि बच्चे पैसे नजायज़ खर्च नहीं करते, दूसरे चीज़ों पे, गलत चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च करते. APJ says that his father used to avoid any kind of inessential comfort and luxuries. पापा को ये पसंद नहीं था कि बेफालतू की चीज़ों पे पैसे खर्च करे. He provided them all the necessary things like food, clothes and medicines. जो हमारे basic needs है वो सारे उन्होंने पूरी की, चाहे कपड़े हैं, चाहे medicines है, चाहे खाना है, वो उन्होंने दिया. APJ says that his parents fulfilled all his needs, whether it was any tangible thing और देयर लव एंड अफेक्शन. चाहे वो सामान हो, चाहे प्यार हो, चाहे अफेक्शन, उन्होंने भरपूर दिया. दिस शोज दैट ही हैज़ अ क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो ये दिखाता है कि APJ अब्दुल कलाम अपने पेरेंट्स की तरफ कितने थैंकफुल थे कि उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया. APJ इज़ थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स फॉर वॉट एवर दे डिड फॉर हिम. तो हमेशा हमें ये सीख देती है ये चैप्टर कि हमें थैंकफुल होना चाहिए जो कुछ हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं. APJ was 8 years old when the Second World War broke in the year 1939. आपको पता ही है 1939 में Second World War शुरू हुआ था. तो he was 8 years then. इसका मतलब सोचो कि कैलकुलेट करो कितने कौन से ईयर में उसका जन्म हुआ होगा. Yes, 1931. The demand for tamarind seeds increased in the market. उस टाइम में इमली के बीज का डिमांड बढ़ गया था मार्केट में. APJ used to collect and sell the tamarind seeds to a provision shop located on Mosque Street. अब APJ क्या करते थे, इमली के बीज इकट्ठा करके एक राशन के दुकान पे जो उनके घर के पास था वहाँ बेचते थे. He would earn a mere sum of 1 anna which equals 6 paise. तो 1 anna कमाते थे. When he addresses it as a princely sum, something very great and valuable, he is being ironic as the amount was very meager. तो वो कहते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है. APJ अब्दुल कलाम्स ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन यूज टू टेल हिम द स्टोरीज ऑफ द ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर. अब इसके जो जीजाजी थे जलालुद्दीन, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की स्टोरी सुनाया करते थे. जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होकर आता था तो वो इसको पढ़ के सुनाते थे. लेटर APJ यूज टू रीड द न्यूज़पेपर दिनामणि एंड यूज टू लुक फॉर द न्यूज़ ऑफ द सेम स्टोरीज. और जब जलालुद्दीन उसको स्टोरीज सुनाते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो ये दिनामणि जो है न्यूज़पेपर का नेम है, दिनामणि पढ़ते थे और उसमें उस स्टोरीज को ढूंढते थे कि कहाँ है. रामेश्वरम वॉज अ स्मॉल आइलैंड टाउन फार अवे फ्रॉम लैंड. तो वो एक आइलैंड था रामेश्वरम. सो इट वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द वर्ल्ड वॉर इन द बिगनिंग. शुरू में वर्ल्ड वॉर वहाँ अफेक्ट नहीं किया था, बट आफ्टर सम टाइम इंडिया हैड टू जॉइन द वॉर एंड कम्बाइंड विद द अलाइड फोर्सेस. बाद में इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जॉइन करना पड़ा था. देन अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री. जब वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो कंट्री में एमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था. सो दैट वॉज द कंडीशन ड्यूरिंग APJ अब्दुल कलाम टाइम. During emergency, the president's rule is implemented in the country. तो emergency में क्या होता है, president rule जो है वो implement हो जाता है. तो कई rules follow करने पड़ते हैं वहाँ. हम लोग बिना मतलब के बाहर घूम नहीं सकते, group बना के खड़े नहीं हो सकते. तो it was like that. It is like a curfew in the country. A lot of privileges which are given to the people are withdrawn. जो भी हमें privileges मिलती है वो सारे गवर्नमेंट वापस ले लेती है. द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ऑन द पीपल ऑफ रामेश्वरम वॉज द कैंसलेशन ऑफ द ट्रेन स्टॉपेज एट द रामेश्वरम स्टेशन. द फर्स्ट प्रिविलेज जो स्टॉप हुई थी वो क्या था कि रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी उसका स्टॉपेज वहाँ बंद कर दी थी. वो बिना हॉल्ट किए वहाँ से निकलने लगी. अर्लियर द ट्रेन
which came from India used to stop at Rameshwaram station and then went further to Dhanushkodi. Dhanushkodi जो है Sri Lanka में है. तो पहले क्या हुआ करता था, जो ट्रेन इंडिया से आती थी रामेश्वरम में रुक के फिर धनुषकोड़ी जाती थी. ओके, रामेश्वरम बिल्कुल इंडिया के टिप पे है. तो ये बताते हैं, जब इंडिया से जाती थी मतलब तमिलनाडु से होके रामेश्वरम जाती थी तो रामेश्वरम में रुकती थी, आगे फिर धनुषकोड़ी जाती थी. बट नॉट नाउ. बट नाउ द हॉल्ट वॉज कैंसल्ड एंड द ट्रेन वेंट फ्रॉम इंडिया टू धनुषकोड़ी विदाउट स्टॉपिंग एट रामेश्वरम. अब बिना हॉल्ट किए रामेश्वरम में धनुषकोड़ी निकल जाती थी ट्रेन. With this, the newspaper bundle which used to come for Rameshwaram was thrown out of the moving train as it reached Rameshwaram Road. जैसे वो ट्रेन रामेश्वरम पहुंचती थी तो ट्रेन के विंडो से न्यूज़पेपर फेंका जाता था क्योंकि वहाँ हॉल्ट नहीं थी ट्रेन की. APJ अब्दुल कलाम्स कज़िन शमसुद्दीन यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम. अब रामेश्वरम में APJ का जो कज़िन ब्रदर था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिलीवर करता था घरों में जाके. एज द ट्रेन स्टॉपेज वॉज कैंसल्ड एंड द न्यूज़पेपर बंडल वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ही नीडेड समवन टू हेल्प हिम कैच इट. अब शमसुद्दीन को किसी की हेल्प चाहिए थी. जब मूविंग ट्रेन से वो न्यूज़पेपर फेंकते थे तो उसे पकड़ने के लिए कोई बंदा चाहिए था उसे. तो APJ हेल्प शमसुद्दीन बाय कैचिंग द बंडल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़पेपर्स. अब APJ ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो वो बंडल पकड़ते थे और वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे. इन रिटर्न शमसुद्दीन पेड हिम सैलरी विच वॉज APJ's फर्स्ट अर्निंग. तो इन रिटर्न शमसुद्दीन उसे सैलरी देता था, कुछ पैसे देता था, तो वो उसकी फर्स्ट अर्निंग थी. तो फर्स्ट अर्निंग हर किसी को बहुत प्यारी होती है और मेमोरेबल होती है. दिस इंसिडेंट हैपेंड 50 years अगो. इवन नाउ That is when he wrote the book. He could feel satisfied and proud of himself. अब जब ये बुक लिख रहे तो उन दिनों को याद करके बड़ा प्राउड फील करते APJ. हम सबको ऐसे ही होता है ना, जब हम अपने बचपन के बारे में याद करते हैं, अपने साथ जो हुआ उसे याद करते हैं, मीठे यादों को याद कर बड़ा अच्छा लगता है. तो इनको भी अच्छा लग रहा था. APJ says that whenever someone earns his own money with his hard work, he feels it the same way as he did. कहते हैं जब पहली बार हम कमाई करते पैसा मिलता है तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. For a child, the figure of authority is his parents and the next figure of authority can be his teacher, a person who has authority over the child. अब APJ कहते हैं अगर एक बच्चे के ऊपर किसी का हक है तो सबसे पहले माँ बाप का होता है, उसके बाद उसके टीचर का हक होता है उसके ऊपर. एक अथॉरिटी उनके ऊपर इन्हीं दो पर्संस के होते हैं. APJ is saying that whenever a child is born, he has some qualities which he acquires from the elders in his family. तो APJ कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होते हैं तो उसको कुछ क्वालिटीज मिलती है अपने फैमिली मेम्बर से. दिस डिपेंड अपॉन द सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली. तो ये जो है सोशल स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी क्वालिटीज उस बच्चे में जाती है. एंड द एनवायरमेंट एट होम, और घर का माहौल जो है वो असर पड़ता है. फ्रॉम हिज फादर ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. पापा से उसने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इम्बाइब किया था, इनहेरिट किया था. एंड फ्रॉम हिज मदर ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. और मम्मा से उसने अच्छाई और जो डीप काइंडनेस है वो इनहेरिट किया था. सो दीज वेर द क्वालिटीज वॉट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. हिज सिबलिंग्स ऑल्सो इनहेरिटेड दीज क्वालिटीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो इसके जो ब्रदर सिस्टर्स है उन्होंने भी यही क्वालिटीज अपने मम्मी पापा से इनहेरिट किया था. APJ हैड 3 बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. जैसे हम सब के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हम सब के साथ फ्रेंडली है, लेकिन हमारे जो बेस्ट है जिसके साथ हम बातें शेयर करते हैं, जिनके साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं, उनको हम बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं. तो APJ के चाइल्डहुड के 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे. देयर नेम्स आर रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ये 3 फ्रेंड्स थे. All of them belonged to very strict Hindu Brahmin families and were ardent followers of their religion. और ये 3 फ्रेंड्स होते हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज के थे और वो अपने रिलीजन में कट्टर थे. They were very staunch followers of Hinduism. As APJ was from a Muslim family, he says that during his childhood,
all the children were so close to each other that they never felt they belonged to different religions. अब एपीजे कहते हैं कि मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद ये जो हम फ्रेंड्स थे, हम बहुत क्लोज थे एक दूसरे के साथ, चाहे वो दूसरे कास्ट से बिलोंग क्यों ना करते हो, कभी भी हमने अपने मन में भेदभाव नहीं रखा एक दूसरे के लिए. रिलीजन वॉज नॉट अ बैरियर इन देयर फ्रेंडशिप. रिलीजन कभी भी इनके फ्रेंडशिप के आड़े नहीं आए. देर इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल इन रामेश्वरम, द रामेश्वरम टेम्पल. आप सबको पता है ना, जब विवेकानंद जी ने विजिट किया था, विवेकानंद जी का रॉक है वो, है ये रामेश्वरम टेम्पल. ए पी जे बेस्ट फ्रेंड रामनाथा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. पाक्षी का मतलब पुजारी होता है, द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल. तो रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी का बेटा था रामनाथा शास्त्री. वेन दीज थ्री फ्रेंड्स ग्रीव अप, जैसे ये तीनों फ्रेंड्स बड़े हुए, रामनाथा शास्त्री टुक द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. नेचुरली अपने पापा का काम संभालना था तो वो रामेश्वरम टेम्पल में पंडित बन गए. अरविंदन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द पिलग्रिम टू एंड फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल. अब ये जो अरविंदन था, उसने एक बिजनेस शुरू कर दिया, जो तीर्थ यात्री आते थे मंदिर, उनको मंदिर लेके जाना और उनको वापस उनके जगह तक पहुंचा देना. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे. अब ये केटरिंग का काम शुरू कर दिया सदर्न रेलवेज में. ही वॉज इन चार्ज ऑफ द केटरिंग फॉर द रेलवेज. अब जो ये शिव प्रकाश थे, वो सदर्न रेलवेज के केटरिंग इंचार्ज बने. केटरिंग का मतलब होता है ना जो खाना सप्लाई करते हैं, तो उनके इंचार्ज बन गए थे. सो दीज थ्री फ्रेंड्स बिकेम वेरी टुक डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस व्हेन दे ग्रू अप. व्हेनेवर द श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी यूज टू टेक प्लेस. जब भी सीता राम जी की शादी हुआ करती थी, हर साल मनाया जाता है ना, हम भी मनाते सीता राम जी की शादी, हर हिंदू मंदिर में मनाया जाता है, राम जी के मंदिर. तो जब हुआ करता था, ए पी जे फैमिली ऑल्सो टुक पार्ट इन इट. तो इनकी फैमिली भी उसमें पार्ट लेती थी. दे यूज टू अरेंज द बोट्स फॉर इट. उस फंक्शन के लिए बोट्स अरेंज करते थे. दे यूज टू मेक अ स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑन द बोट्स ऑन विच द स्टैचू ऑफ राम एंड सीता वर प्लेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. तो बोट में वो प्लैंक्स अरेंज करते थे, फट्टे रखते थे, उसके ऊपर भगवान जी की मूर्ति रखते थे, राम जी की और सीता जी की, और मैरिज साइट पे लेके जाते थे. और वो पॉन्ड के बीच में था, पॉन्ड का नेम था रामतीर्थ, तो उसके बीच में लेके जाते थे. दिस पॉन्ड वॉज नियर ए पी जेज हाउस. और ये जो पॉन्ड था वो ए पी जे के घर के पास था, तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होते थे. When he was growing up, he never thought that there was any difference between Hindus and Muslims as they participated in the Hindu festivals wholeheartedly. APJ जब बड़े होते गए, कभी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे फ्रेंड्स हिंदू से, नहीं. वो सारे फंक्शंस जो हिंदू के फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, हर चीज़ में वो पार्ट लेते थे. APJ says that they listen to stories from the Ramayana and the life of the prophet from their mother and grandmother as bedtime stories. और उसकी मम्मी और दादी जो है उसको रामायण से भी कहानी सुनाते थे, और प्रॉफेट जो है पैगंबर जी उनकी भी कहानी सुनते थे. सो दे लिसन टू स्टोरीज ऑफ बोथ हिंदू गॉड्स एंड मुस्लिम गॉड्स. देर वॉज नो डिफ्रेंसिएशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. तो दोनों हिंदू भगवान के भी और मुस्लिम भगवान के भी स्टोरीज वो सुनते थे, और रिलीजन के बेस पे उन्होंने कभी भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया. He respected both the religions equally. So this was taught to him by his parents. As APJ Abdul Kalam belonged to a Muslim family, he used to wear a cap on his head. Naturally, Muslims have wo cap pehante na sir pe, to ye bhi pehne lage, which identified him as a Muslim. His friend Ramanatha Shastri was the son of the priest of the Rameshwaram temple, belonged to a Hindu Brahmin family and used to wear the sacred thread worn by Brahmins. अब रामनाथा शास्त्री जो था वो पंडित था, पुजारी था, तो वो जनेऊ पहनते थे, तो इस तरह से उनकी पहचान होती थी. When these children were in class 5, a new teacher came to their class. जब ये बच्चे सारे, ये चारों फ्रेंड्स जब 5th क्लास में थे, तो उनके स्कूल में एक न्यू टीचर आई थी, और उनके क्लास में भी आए थे वो न्यू टीचर. सो दे एक्सपीरियंस्ड अ न्यू थिंग विद द न्यू टीचर, और उस न्यू टीचर ने एक पार्शियलिटी क्रिएट कर दी थी क्लास में.
APJ Abdul Kalam recalls an incident which happened then. तो एक वो उस टाइम के इंसिडेंट रिकलेक्ट करके हमें बताते हैं. This new teacher could not tolerate that a Hindu priest's son was sitting next to a Muslim boy. तो इस टीचर को ये पचा नहीं कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू ब्राह्मण के साथ बैठा हुआ. He told APJ to go and sit on the last bench as he belonged to a lower rank of the society. तो उस टीचर ने APJ को कहा तुम जाके लास्ट बेंच में बैठ जाओ क्योंकि तुम सोसाइटी में सबसे नीचे कास्ट के लोग हो. बोथ द चिल्ड्रन फेल्ट वेरी बैड. दोनों को बड़ा फील हुआ, रामनाथ शास्त्री को और APJ को भी. When APJ changed his seat and went back and sat on the last bench, रामनाथ felt very bad. जब APJ टीचर का कहना मान के लास्ट बेंच में बैठे तो रामनाथ शास्त्री को भी बड़ा बुरा लगा, APJ को भी बड़ा बुरा लगा. दोनों को बहुत फील हुआ कि टीचर ऐसा क्यों पार्शियलिटी कर रही है. APJ still remembers the image of his friend रामनाथ crying. अब उनको अभी भी याद आ रहा है, अब ये बुक लिख रहे हैं तो उस टाइम की बात याद आ रही है. कहते हैं मुझे याद है रामनाथ शास्त्री रोने लग गए थे. इट लेफ्ट अ लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन ऑन कलाम ऑफ हिज फ्रेंड्स फीलिंग फॉर हिम. तो हमेशा के लिए वो जो बात है दिमाग में बैठ गई APJ के. बोथ चिल्ड्रन वेंट होम एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट दिस इंसिडेंट एंड रामनाथस फादर लक्ष्मण शास्त्री कॉल द न्यू टीचर एंड स्कोल्डेड हिम. दोनों बच्चों ने घर जाके बताया कि आज क्या क्या स्कूल में हुआ. तो लक्ष्मण शास्त्री जो रामनाथ शास्त्री के पापा थे उस न्यू टीचर को बुलाया और उन्हें डांट लगाई. ही टोल्ड हिम नॉट टू किल द चिल्ड्रंस फ्रेंडशिप बाय पुटिंग द वेनोमस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन टू देयर इनोसेंट माइंड्स. अब उनको बुला लिया, उस टीचर को डांट लगाया कि तुम जहर भर रहे हो इन बच्चों के दिमाग में, इन छोटे नन्हे से बच्चों के दिमाग में तुम रिलीजन का पॉइजन भर रहे हो. तो स्टॉप दिस. लक्ष्मण शास्त्री वॉज वेरी क्लियर इन हिमसेल्फ. लक्ष्मण शास्त्री ने कहा कि मैं साफ साफ कह रहा हूँ तुम्हें. He told the teacher, either you are sorry for the wrong you have done or else leave the school and Rameshwaram town also. तो उसके पापा इतने स्ट्रिक्ट थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर को कहा या तुम सॉरी मांगो या तुम स्कूल छोड़ के रामेश्वरम शहर छोड़ के चले जाओ. द टीचर आस्क्ड सॉरी फॉर द मिस्टेक ही हैड डन एंड ड्यू टू लक्ष्मण शास्त्री डिटर्मिनेशन हिज थॉट्स अबाउट रिलीजन एंड कास्ट चेंज्ड. तो उन्होंने सॉरी मांगी बच्चों से और पेरेंट्स से भी, और सिर्फ लक्ष्मण शास्त्री के स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण ही उस टीचर का माइंड चेंज हुआ और उन्होंने कभी भी रिलीजन के बेस में, कास्ट के बेस में कभी भी किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया. उनको पता लग गया कि हाँ ये मेरी गलती है, आगे से मुझे ये काम नहीं करना है. द डिविजन ऑफ सोसाइटी इंटू फोर ग्रुप्स. अब पहले जो था हमारे इंडियन सोसाइटी जो है फोर वर्नास में, फोर ग्रुप्स में डिवाइड था. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो स्ट्रिक्टली फॉलोड इन रामेश्वरम. रामेश्वरम में क्या पूरे इंडिया में फॉलो हुआ करता था. अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. एक और टीचर है शिव सुब्रमण्यम, वो एक रिलीजियस पर्सन थे, साइंस टीचर थे. एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन बट वॉज अ रेबिलियस टाइप ऑफ पीपल. ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन थे लेकिन एक रेबिलियस नेचर था, अपोज करने वाला नेचर. ही डिड नॉट बिलीव इन डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम. ही वर्क वेरी हार्ड टू ब्रेक दी सोशल बैरियर्स. अब वो कभी जाति भेद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि हमारे सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम ना हो. ही वर्क वेरी हार्ड टू ब्रेक दी सोशल बैरियर्स. वॉन्टेड दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर. और वो चाहते थे कि दूसरे रिलीजन के लोग जो है सारे मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करें. He encouraged APJ Abdul Kalam to work hard so that he could be at the same level as the highly educated people who lived in big cities. उन्होंने APJ Abdul Kalam को encourage किया. किसने? शिव सुब्रमण्यम, उनके साइंस टीचर. वो कहते थे बेटा पढ़ लो जिंदगी में और जो हाई क्लास लोग हैं बड़े बड़े शहरों में उनके लेवल के तुम बनो. शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन फैमिली. और शिव सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन फैमिली की थी. शी फॉलोड द रिलीजन वेरी स्ट्रिक्टली एंड टू कीप द किचन प्योर नो वन फ्रॉम एन इंफीरियर रिलीजन वॉज अलाउड टू एंटर द किचन. अब वो जो ब्राह्मिन है वो अपने किचन में किसी को घुसने नहीं देती थी, तो उसको प्योर रखती थी ताकि वो
पोल्यूट ना हो, वो बाहर के लोगों को अपने किचन में अलाउ नहीं करती थी. सो व्हाट शी डिड व्हेन शिवा सुब्रमण्य अय्यर कॉल्ड एपीजे अब्दुल कलाम फॉर डिनर एट हिज होम, हिज वाइफ फियर्ड दैट अ बॉय फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली वुड मेक हर किचन इम्प्योर. एक दिन शिवा सुब्रमण्यम सर ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर में खाने के लिए बुलाया तो उनकी वाइफ डर गई कि एक मुस्लिम लड़का हमारे घर आ रहा है तो हमारा जो किचन है अशुद्ध हो जाएगा. शी रेफ्यूज टू सर्व हिम फूड इन हर किचन, तो उसने मना कर दिया कि मैं अपने किचन में मुस्लिम लड़के को खाना नहीं खिलाऊंगी. शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नाइदर अपसेट नॉर एंग्री, ना उनको गुस्सा आया ना उन्होंने मूड अपसेट किया. ही हिमसेल्फ सर्व्ड फूड टू एपीजे एंड सैट डाउन बिसाइड हिम टू ईट, उन्होंने खुद उसको खाना परोसा और खुद उसके साथ बैठ के खाना खाया. हिज वाइफ स्टूड बिसाइड द किचन डोर एंड लुक्ड एट एपीजे व्हाइल ही वॉज हैविंग फूड, वो दरवाजे के पास खड़े होके देख रही थी एपीजे अब्दुल कलाम खाना खा रहा था और उसके हस्बैंड भी दोनों बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे थे. एपीजे सेज दैट ही डजंट थिंक दैट शी फेल्ट देयर वाज एनी डिफरेंस इन द वे ही वाज हैविंग हिज फूड और द वे ही वाज ड्रिंकिंग वाटर और इन द वे ही क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. अब उसको ये लगता है कि उस लेडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि किस तरह से मैं खा रहा हूँ, खाने के बाद कैसे मैंने क्लीन किया जगह. He wants to highlight that religion does not matter as it does not alter the way in which a person eats food. कहते हैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि religion जो है कोई matter नहीं करता है कि कौन किस तरह से खाना खाता है, कौन किस तरह से रहता है. When APJ was about to leave Subramanya Iyer's house, he invited him for dinner once again. जैसे APJ अब्दुल कलाम खाना खा के बाहर निकल रहे थे, शिवा सुब्रमण्यम जो है उसको दोबारा से डिनर के लिए इनवाइट किया. ओके, तो ये देखो कितनी इंसानियत थी शिवा सुब्रमण्यम अय्यर में, वो एक टीचर थे. व्हेन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर सॉ दैट एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द सिहांत, ही आस्क्ड हिम नॉट टू बी अपसेट, तो उन्होंने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम फील कर रहे थे. शिवा सुब्रमण्यम सर कहते कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. He added that if he had decided to change the system to go against the norms of the society, he had to be strong and brave and confront the situation. तो वो कहते हैं कि जब हम decide कर लेते कि हमने society को change करना है तो हमें अपने आप में भी changes लाने, तो हमें strong रहना है उस system को change करने के लिए. तो और he says when he visited Shiva Subramanya Iyer's home for dinner the next week, his wife made him sit in the kitchen and served him food with her own hands. अब next time जब वो dinner करने गए तो Shiva Subramanya sir की wife ने खुद अपने हाथों से उसको खाना परोसा अपने kitchen में. This is the change that happened. तो जो Shiva Subramanya sir चाहते थे कि society में change लाना, तो वो अपने घर में ही change लेके आए पहली बार. When the Second World War got over in the year 1945, India was about to get freedom, which happened in the year 1947. ठीक है, World War Second ख़त्म होने वाला था और उसके दो साल बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी. एम के गांधी, वो हमारे जो महात्मा गांधी जी, नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, वॉज अ क्रूशल पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. हमें पता है इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट किया था. ही सेड दैट इंडियंस वुड बिल्ड देयर ओन इंडिया, उन्होंने कहा था जो इंडियंस है अपना इंडिया खुद बिल्ड करेंगे. द एंटायर कंट्री वॉज फिल्ड विद होप एंड हैप्पीनेस, एवरी वन वॉज एक्सपीरियंसिंग सच अ फीलिंग विच दे हैड नेवर फेल्ट बिफोर. सबको एक पेट्रियाटिज्म जाग रही थी मन में जो पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि ये सब इन्हीं के सैक्रिफाइस का कारण है जो फ्रीडम फाइटर्स है, तो उनको बड़ा अच्छा लगा. तो एवरीवन वाज होपिंग दैट नाउ दे वुड गेट देयर फ्रीडम, सारे सोच रहे थे कि हाँ भाई अब हमें आज़ादी मिलेगी, नाउ वी आर गोइंग टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द इंग्लिश. एपीजे आस्क्ड हिज फादर टू अलाउ हिम टू गो टू रामनाथपुरम विच वॉज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर हायर स्टडीज. अब उन्होंने स्कूलिंग ख़त्म कर ली, अब अपने पापा से परमिशन लेते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, पूछते हैं कि मैं रामनाथपुरम जाऊँ, ठीक है, जो हेडक्वार्टर्स था हायर स्टडीज़ के लिए. इन रिप्लाई हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही न्यू दैट एपीजे नीडेड टू गो अवे सो दैट ही कुड मूव अहेड इन लाइफ. पापा कहते हैं कि मुझे पता है तुमने आगे पढ़ना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुमने जिंदगी में खुद आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जा सकते हो. सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ हिज फादर ऑन एपीजे अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम
सही कहते कि मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे रोक टोक नहीं की, हर चीज़ में उन्होंने मेरी हेल्प की है, इवन इन एजुकेशन. ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ अ सीगल विच फ्लाइज अवे इन द स्काई ऑल अलोन एंड डज नॉट हैव अ नेस्ट. अब उसके पापा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं सीगल की. सीगल एक बर्ड है, वो स्काई में फ्लाई करता है इंडिपेंडेंटली, किसी के हेल्प के बिना, और उसका कोई नेस्ट नहीं होता, वो नेस्ट खुद बनाता है. इट मीन्स इट डज नॉट हैव अ होम ऑफ इट्स ओन एस इट कीप्स ऑन फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसका कोई अपना घर नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लाई करता रहता है. व्हेन एपीजे'स मदर केम टू नो दैट ही वॉज अबाउट टू लीव होम एंड वॉन्ट टू गो टू रामनाथपुरम फॉर हायर स्टडीज, शी गॉट अपसेट. अब मम्मी का दिल ऐसा होता है जब उनको पता लगा कि बेटा जो है रामनाथपुरम जा रहा हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो अपसेट हो गई. उनको लगा कि बच्चा जो है हमारे से दूर जा रहा है. तो मदर का जो मन होता है, दिल जो होता है, वो छोटा होता है, राइट. लेकिन उन्होंने पूरी सपोर्ट की अपने बेटे की. एपीजे'स फादर ट्राई टू काम हर डाउन एंड टोल्ड हर अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम अ फेमस पोएम टाइटल्ड योर चिल्ड्रन रिटन बाय खलील गिब्रन. तो खलील गिब्रन जो है एक पोएट है, उनके पोएम में से एक लाइन पढ़ के सुनाई अपनी वाइफ को. ही टोल्ड दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके जो बच्चे हैं वो आपके नहीं हैं, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ, जिंदगी के बच्चे हैं वो. डोंट थिंक दैट यू कैन रूल योर चिल्ड्रन, ये ना सोचो कि तुम अपने बच्चों पर रूल कर सकोगे, राज कर सकोगे, डिक्टेटर बनोगे. दे आर अ रिजल्ट ऑफ लाइफ डिज़ायर फॉर इट्सेल्फ, वो एक रिजल्ट है लाइफ के डिज़ायर के. दे हैव देयर ओन थाट्स, ही आस्क्ड हर टू गिव देम फ्रीडम टू फुलफिल देयर थाट्स. वो कहते हैं कि अपने बच्चों को फ्रीडम दो ताकि वो अपने थाट्स को अपनी तरीके से जी ले. सो दिस वॉज अ वेरी मेस्मराइजिंग लाइन्स टोल्ड बाई ए पी जे अब्दुल कलाम्स फादर. सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव got inspired by this chapter. Please do your assignment in your notebook and go through the chapter once again for the complete understanding. Thank you so much. Stay home, stay safe.